पेड़ के ऊपर पहचान, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वहां उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच, एवरेस्ट विजय की पताका फहरा, कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती, कपड़ों की दूध या सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, ये चंडी किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी, अगर अर्जुन का मन ही तो टूट गया, उसकी कोई वीरता भाग नहीं गई। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, हड्डी जुड़ जाती पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने, इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने, इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जाए वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के द्वार पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। किंतु कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से न गिरे। किंतु कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था, एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न चने। मनुष्य की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मनुष्य की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मित्रों, अब मैं समाप्त कर रहा हूं।